मेरे नगर से हल्ला कर मंगलवार को नवापेरा राजिम के गंज मार्ग और सदर मार्ग में किराना दुकानों में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी परिकल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। लोग इस बार नमक खरीदने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े थे, लॉकडाउन के नियमों को दरकिनार करते दिखे। नवापारा सहित अंचल में नमक के खत्म होने की अफवाह से आशंकित लोग सुबह 7 बजे से ही किराना दुकानों में लंबी लाइन लगाकर खड़े हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को बुलाना पड़ा। स्थानीय पुलिस ने 3 बार लोगों को भगाया, लेकिन फिर भी लोग दुकानों में पहुंच जाते थे। 9 बजे जब दुकान खुली तो लोग टूट पड़े। हर आदमी मुंह मांगे दाम पर एक बोरी नमक की मांग कर रहा था, लेकिन दुकानदारों ने किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह देते नमक की शॉर्टेज नहीं होने की बात कहते रहे। लेकिन दूसरी ओर प्रति पैकेट 14-15 रुपए की दर से प्रति व्यक्ति केवल 5 पैकेट नमक दे रहे थे। दोपहर आते तक प्रति व्यक्ति 2 पैकेट नमक देने लगे थे। दुकानों में नमक के लिए भीड़ और कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर दोपहर 12 बजे खाद्य निरीक्षक रीना साहू गोबरा नवापारा पहुंची और गंज रोड स्थित प्रेम अनाज शाह हरगोविंद शाह किराना व केसुमल टेकचंद किराना मर्चेंट सहित कई अनेक दुकानों में जाकर दुकानों व उनके गोदामों में रखे स्टॉक की जांच की। उन्होंने ग्राहकों से दुकानदारों द्वारा बेचे जा रहे नमक की कीमत भी जानने का प्रयास किया और जानकारी दी नमक का शॉर्टेज सिर्फ अफवाह है, जबकि नमक की कोई कमी नहीं है। अफवाह के चलते कालाबाजारी का शिकार होने से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने सभी ग्राहकों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी सलाह दी। इस दौरान उनके साथ स्थानीय पुलिस दल व राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। खाद्य निरीक्षक रीना साहू को औचक निरीक्षण में किसी भी दुकान में कालाबाजारी या जमाखोरी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने दुकानदारों को ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए कोरोना संकट काल में ग्राहकों के साथ हमदर्दी बरतने की बात कही। पूर्व पार्षद एवं किराना व्यवसायी ज्ञानचंद ललवानी ने भी ग्राहकों से शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने एवं नमक की कमी नहीं होने के संबंध में जानकारी दी। बता दें कि सोमवार शाम को अचानक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदेश में खाने के नमक की किल्लत होने की बातें फैली, जिसकी पुष्टि किए बिना लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए अभनपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानों में पहुंच गए। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हाँ, मैं पूछूंगा जी मैम, आज जो आप यहाँ पर आई हैं इसकी वजह क्या है? मैं खाद्य निरीक्षक हूँ जी, और हमें ये पता चला था कि नमक की कालाबाजारी हो रही है। इस संबंध में नयापारा के सारे होलसेलर रिटेलर को यहाँ जा करके हम जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अगर नमक का स्टॉक अगर जिनके पास ज्यादा है जो अंदर रख के कालाबाजारी करने की कोशिश करें, उनके यहाँ जांच की कार्रवाई की जा रही है। मैम, अभी आपने इतने दुकानों में गए तो ऐसी कोई जगह मिली यहाँ पर ऐसे कुछ हुआ हो? अभी तो फिलहाल किसी भी दुकान ने अपनी 4-5 दुकानें रहती है, पुलिस विभाग के साथ और हमारे राजस्व विभाग के साथ मिलकर हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो सब में अभी बहुत अच्छे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं किराना संघ वाले मिलकर के, प्रति व्यक्ति 2 किलो नमक 15 रुपये की दर से बेच रहे हैं फिलहाल तो, और किसी के पास अभी एक्स्ट्रा स्टॉक के अंदर कालाबाजारी करते हुए अभी तो फिलहाल हमारी तरफ से दौरान नहीं मिला है। क्या सर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नमक है? इस तरीके से कल हमने रायपुर में कार्रवाई की हमारे खाद्य विभाग और नागपुर विभाग के साथ, तो नहीं आता है।